आपको लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जो आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। So there is no question of feeling unhappy in your life. You'll be always very much positive. सबका आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। आपको ऑडियो कनेक्टेड नहीं दिख रहा है, इंटरनल इश्यू साउंड जी इसका, सर, दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो इसमें? जी सर, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज होते हैं सर। मैं घर पे हूँ सर आज से। पूरे दिन व्यस्त, होल डे। आई थॉट यू आर इन ऑफिस। नो सर, वो एक्चुअली जो अंकल हॉस्पिटलाइज हुए थे ना, उनको देखने के लिए गए थे ना, इसलिए कितने सर एक छुट्टी लेनी पड़ी। छुट्टी मिलती है? सर 4 छुट्टी मिलती है, इस बार तो छुट्टी मिलेगी भी नहीं। क्यों? अगर सेल नहीं हुआ तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी।
और क्या हो रहा है? अच्छा, क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, सब घर में है। कुछ करो, जी कुछ करिए, कुछ नहीं हो रहा है तो डू समथिंग। अभी जस्ट पहुंचे ही है सर घर पे। कहाँ पे नर्व है? दिख रहा है? जी सर। दिख रहा हाँ हाँ सर। इनके है? इनके बारे में बताइए। अच्छा, मैं ये स्क्रीन ये कर सकती हूँ, ऑपरेट कर सकती हूँ? आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हम आपको होस्ट बना दें? जी सर। आपके मोबाइल में एस्ट्रो सेज है तो हाँ सर है। जी हम आपको होस्ट बनाते हैं। आप स्क्रीन शेयर करके बताइए। सर। अभी होस्ट हो गया। अब आप ओनली अपना, होस्ट कैन शेयर। हाँ, अब आप शेयर करो, अपनी स्क्रीन को शेयर करो। अभी तो आपको शो हो रही है? सर नहीं आएगी, आपने शेयर किया होगा तो आएगी। मैंने तो शेयर किया। शेयर स्क्रीन टच करके ना, फिर अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे तो आएगा। सो रही है सर? सर नहीं, आप सो रहे, अब आ रही है। डेटा बताइए। गुड। लिखिए, अपने ही डाल दीजिए। सर आपकी शादी कब हुई? ये मैंने गुड मैरिज। यू हैव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। बताइए इनके बारे में। You have great amount of success will come to you. You will not face any kind of problem. सर ये मिथुन लग्न और मिथुन राशि की कुंडली बन रही है सर। तो इनके जो लग्नेश हैं वो स्वयं अपने
आपका जो कुंडली है ना उसमें केतु असेंटर पर बैठा है जो आपकी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। इट इज अफेक्टिंग लाइफ डिस्टर्बली। ग्रह कुछ विचार खोल लीजिए। यू विल बी एबल टू गेट पॉजिटिव एनर्जी इन लाइफ। अभी ऐसा करो ना, उसको खुद खोल लो फिर हमको बताओ। आर यू गेटिंग माई सर ये पॉइंट? फिर आपको शोर ही है क्या? नहीं, मुझे उसको आपको देखना शोर नहीं, ही है? अच्छा मुझे उसको नहीं देखना है। मैंने आपको डिटेल बता दी, अब आप उसको जातक के बारे में बताओ। After the month of December 2024, सर ये कर्क लग सॉरी मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है जिसमें लग्नेश जो life है is स्वयं going अपने ahead घर so में much faster. ही स्थित है, तो उनके और सूर्य की पोजीशन देखें तो सूर्य कर्क राशि में स्थित है जो कि सूर्य की अपनी खुद की मित्र राशि है। तो सूर्य जो पोजीशन में है वो आपको समृद्धशाली बना सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा क्योंकि आपको सूर्य को स्ट्रांग बनाना है। सूर्य धन और वन सेकेंड सर आपको गुस्सा आ रहा है? कहाँ गुस्सा को निकालें, 3-4 दिन से गुस्सा आ रहा है। बहुत सारे लोगों पे गुस्सा कर चुके हैं, वाइफ पे किए, बच्चे पे किए, सब पे गुस्सा कर रहे हैं आजकल। सर वही हो रहा है, मुझे लगता है आप फिर से आपको बहुत जबरदस्त ऐसी गुस्सा आ रहा स्टूडेंट नहीं मिली होगी। है, बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा है। कुछ दिन से मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया है, पता नहीं किस पे गुस्सा आ जाए, इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबडी। बताइए। बताते हैं देखिए, सर। एक एक हमको स्टेटमेंट बताते हैं। आपके पास कोई कुंडली ना हो और आपको जातक का भविष्यफल बताना हो, आपके पास कोई कुंडली नहीं है, मतलब मेरे पास कोई भी कुंडली नहीं है, पर हम ऐसा भविष्यफल बताएंगे कि सारे जातकों पे ये ट्रू हो जाएगा। किसी जातक को बताएंगे वो कहेगा हाँ बहुत अच्छा बात है। हाँ, आप सही बता रहे हो। आप अपनी लाइफ में मेहनत बहुत करती हैं, आपको रिजल्ट बहुत कम मिलता है। आपके साथ ऐसा होता है? मुझे पूछ रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, आपके साथ ऐसा होता है ना, मेहनत करने पे आपको रिजल्ट कम मिलता है। आपके घर के लोग आपका कोऑपरेशन नहीं करते हैं, जीवन में आपको प्रेम कभी नहीं मिला। ये सारा प्रेडिक्शन सही है। अच्छा आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं। वैसे कुछ ऐसे प्रिडिक्शन होते हैं जो A to Z किसी को बताया जाए वो सारे प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होते हैं, बट ये है कि ज्योतिषी को बोलना पड़ता है। आई कैन नॉट मेक माई माउथ साइलेंट, बिकॉज यहाँ पे तो हमारा कम्युनिकेशन का काम होता है ना। आप अपने ऊपर आप बहुत लापरवाह किस्म की हैं। यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। सारे व्यक्ति कहेंगे हाँ हम अपने का टाइम नहीं दे पाते हैं। दूसरों के विषय में आप बहुत अच्छा सोचते हैं, उनके लिए बहुत हेल्प करते हैं, आपकी कोई हेल्प नहीं करता। अपने मित्रों से सावधान रहा करिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू क्रिएट ट्रबल टू योर न्यू लाइफ।
आप कहोगे हाँ हाँ ऐसा है, माई फ्रेंड्स हैव क्रिएटेड ट्रबल इन माई लाइफ। बचपन में आपको 2 बार प्रेम में धोखा मिला था, मिला नहीं सर, नहीं मिला था? ध्यान से सोचिएगा, मिला होगा। जब ये नहीं होता है तो नहीं बोल देते ये आप। जब आप बोलेंगे ना तो सामने वाला कहेगा हाँ हुआ था, आपको याद नहीं है। पैसे आप कमाती बहुत हैं पर सेविंग आपकी 0 है, पैसा आप बचा नहीं पा रहे हो। अगर आपको कुछ करना है तो सेविंग करनी पड़ेगी, ये सही है? हाँ हाँ, कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर एवरीबडी। रेडी टू रेडीमेड मटेरियल्स होता है, उसको कहीं पे चला हुआ वो लग जाएगा। बाकी की चीजें कुंडली में दिखती है। लेकिन सर ये बोलते बोलते आपको को मतलब क्यों ये हो रहा है तो उसको बोलना पड़ेगा ना सर, मतलब उसको बोलने की जरूरत नहीं, वो पूछेगा नहीं। उसको ज्योतिष थोड़ी, प्लैनेट की पोजीशंस बताने भी पड़ेंगे ना। उसको ज्योतिष थोड़ी पढ़नी है आपसे। आप बताइए, आप एक कुंडली खोल लीजिए, जी सुभाष की कुंडली खोल लीजिए, उनके बारे में बताइए। तो बताओ जितनी जिस जो जितना तेजी से बोलता है उतना बड़ा ज्योतिषी होता सर, आपका नेटवर्क नेटवर्क ड्रॉप हो रही है सर, वॉइस कट कट के आ रहा है। हाँ है। मैं हम म्यूट कर दे रहे हैं ना, इस वजह से वॉइस नहीं जा रही है। हम म्यूट कर दे रहे हैं, आप बोलिए, आप बोलिए। सर, ये सिंह लग्न की कुंडली बन रही है लाइफ विल गिव जिसमें यू, जो लग्नेश है वो 10th हाउस में स्थित है जो कि सूर्य है। तो अभी इनका लाइफ अभी जो चल रहा है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में चल रहा है। तो इनको इनकी जो लव लाइफ होगी इसमें उनको मतलब थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, बिकॉज इनकी जो 5th हाउस है वो अभी उसमें वहां पे राहु राहु स्थित है, तो नॉर्मली ये स्लो कर देता है प्रोसेस में, बाधा डाल देता है। एंड इनके जीवन में जो फ्रेंड्स होंगी इनको वो प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं, बट वो इजीली वहां से निकल के आ सकते हैं। अपने पिता के साथ इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, और इनकी शादी के बाद वाली लाइफ कैसे चलेगी? 7th हाउस में देख सकते हैं, 11th 7 पार्टनर हाउस इनका जो होगा, इनका जो 7th हाउस के ओनर है वो 6th हाउस में जो कि शादी के बाद इनका लाइफ जो होगा वो मतलब वो अपने पार्टनर के साथ बैलेंस बनानी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। तो इनको बैलेंस करके अपनी लाइफ का जो बैलेंस करके अपनी लाइफ चलानी पड़ेगी। सर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड सर, जगह पड़े हाँ
लीना पज रोई था ना কান্দিলাম কান্দানি কান্দিলাম জি স্যার। পেসে কে দিন কে पैसे के बारे में बताऊं सर? इनकी जो 11th हाउस है वो एक्टिवेटेड है क्योंकि सूर्य उच्च में है। सूर्य की पोजीशन अच्छी है, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो इनको अपने एक्सपेंसेस एंड इनकम को बैलेंस करना पड़ेगा। और इनको बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ भी मिल सकती है, लाइफ स्टाइल अच्छी होगी इनकी, धन वाहन और मकान ये सभी क्षेत्र में ये अपने लाइफ स्टाइल फिर से रुक गई सर में। सर इनकम जो होगा ये 10th हाउस से देखा जाता है ना सर? उससे उनका काम होता है 11th हाउस से पैसे आते हैं सेकेंड नहीं हाउस। सर, हाँ वही 11th हाउस जो है वो इनकम का होता है ना सर? कोई ना जी, आपकी शादी कब हुई थी? बिकॉज संतान योग आपके दिसंबर से पहले बन रहे हैं। 11th हाउस 11th हाउस 11वां भाव लाभ भाव का होता है, दूसरे में पैसे भी रहते हैं। 10वें में काम करेगा तो 11 पैसे मिलेंगे उसको। तो अभी इनको आपको कर्म के क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, इसलिए काफी बेहतर है। इनको अपने सूर्य को स्ट्रांग करना चाहिए। हेलो, ओम हम हनुमते नमः का जप करवा लीजिएगा 108 बार। तो इन्हें जी आपको बच्चा होगा पर उसके लिए थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। हाँ जी, किसकी? हाँ तो शनि का मंत्र जप करने के मत बोलिएगा, शनि का मंत्र मत जप करने के बोलिएगा, बोलिएगा हनुमान जी का मंत्र जप करें। बोलिए प्रभु आगे। हाँ तो इनका आपकी जो अभी डिटेल मैंने 11th हाउस देखी है। है वो एक्टिवेटेड है क्योंकि शुक्र अच्छे पोजीशन पे है, तो इनकी जो लाइफ रहेगी वो अच्छी रहेगी। जो चीज मतलब जो लग्जरी जो लाइफस्टाइल इनकी अच्छी रहेगी सर। बाकी इनके जो 2024 9th हाउस है भाग्य के भाव है जो सर, यहाँ कैसा पे टू जाएगा आपको थोड़ा? थाउजेंड ट्वेंटी फोर सर 2024 इनका मार्च 14 के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे क्या इनके? नो सर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहाँ से देखते हैं सर? देखिए पंचम भाव का स्वामी जो है या फिर शुक्र कहीं पीड़ित है, मंगल के साथ है, शनि देख रहा है, राहु देख रहा है। अच्छा शनि तो सर थर्ड आपकी सिंह राशि सेवेंथ और है, टेंथ चंद्रमा जो है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
सर सूर्य जो शनि की दृष्टि होती है वो 3, 7 और 10 होती है ना सर। बहुत अच्छा। और आपकी कुंडली को देख करके ही बता रहे हैं, लाइफ में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। इनके एसेट्स होंगे, जी सर। संपत्ति होगी। जी सर संपत्ति होगी। अच्छा, अब किसी दूसरे का चार्ट खोलिए। इसे दूसरे का खोलो। देखिए, जो संतान की समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही है, अगर आप अप्रैल 2024 के बाद आगे बढ़ती हैं तो वहां पे नहीं रहेंगे। आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जी सर। कुंडली खुली। मेष लग्न की कुंडली है, ये सिंह मेष राशि। लग्न की कुंडली है और हाँ, इनकी जो राशि है वो सिंह है, तो इनका जो स्वामी है वो अपने स्वयं घर में ही स्थित है। ये जो ये जिनके जातक बन गए ये बहुत ही ज्यादा, इनका फिजिक्स बहुत अच्छा रहेगा। ये इनका नहीं नहीं सर, मंगल जो है वो 0.5 पे है सर। ये बहुत ही अग्रेसिव नेचर के होंगे, क्योंकि मंगल लग्न में है। इनसे शादी करने से आपको बहुत परेशानियां आ सकती है। अगर आपको इनसे शादी करनी है कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा, पर इनसे आपको संभल के रहना होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? हाँ आ रही है। मंगल जो होते हैं वो नॉर्मली गुस्सा कराएंगे, एनर्जी देते हैं, उनकी हाँ ऊर्जा ज्यादा होती है, फिजिकल पति से झगड़ा कम फिटनेस भी अच्छी होती करेंगे। है। हाँ, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी, दिन भर काम करेंगे सर। थकेंगे बिल्कुल नहीं, यू गेट लॉट ऑफ हैप्पीनेस। बच्चा आपको बहुत सुख देगा। सर शनि और राहु के कॉम्बिनेशन क्या होती है? शापित दोस्त बनता है इनको, रात में डर लगता होगा, जीवन में तंत्र मंत्र का प्रभाव हो सकता है, दिमाग में हमेशा कौन सा विचार। सुना ही नहीं दिया सर? शापित दोष लगता है, शापित दोष, सात्विक जोश दोष। दोष हाँ, उसको शापित वो क्या दोष होता है बोलते सर? हैं। ऐसे लोगों पे भूत प्रेत का छाया आ सकता है, तंत्र मंत्र का प्रभाव रहता है, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ फालतू विचार चलेंगे, जो नहीं है वही समझ में आएगा, ये हमेशा डाउट में रहते हैं। ओके सर। और सब ठीक है? आज की क्लास यहीं बंद की जाए? विद्यार्थी को क्या दंड दिया जाए? जी स्टूडेंट को क्या पनिशमेंट दिया जाए? स्टूडेंट को सर सर कॉन्फिडेंट लो हो रही है सर, मतलब जो आप पढ़ाते हैं वो तो समझ में आता है सर, तो वो डायरेक्टली फेस टू फेस करने में वो प्रॉब्लम हो रही है। और खूब दिन भर सोएंगे मेरे ऐसा बेटे, तो मैं जी ओल्ड डे यू स्लेप्ट।
सुनाई नहीं दिया सर। अच्छा पूरा दिन आप सोई हैं क्या आज? होल डे यू स्लेप टुडे? नो नो सर, मैं सो ही नहीं हूँ। दो तीन ठो रेमेडी बता दीजिए जो सबको बताई जा सकती है। दो तीन रिमेडीज बताओ सर। हाँ, वो किसी को बताओगे तो बता सकते हो। सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, ओम नमो हाँ मैं भगवते बोल सकती वासुदेव। हाँ बोलिए। हूँ सर। ये भी मतलब सूर्य को स्नान करने के लिए अपने पिता का आशीर्वाद के साथ साथ जल चढ़ाने का, फिर हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार जो होते हैं वहां पे दर्शन के लिए, और जिनकी राहु महादशा होती है उनको जो आपने बताया था वो वाला मंत्र जाप करना चाहिए। अरे मुझे याद है जो, सर। अरे वो मंत्र बताओ जो खुद याद होता है, दूसरे का मंत्र याद नहीं रहता है। जी सर। जो अपने याद रहता है तो वही मंत्र बताना चाहिए, जो दूसरे का मंत्र बताने जाएंगे तुम्हें याद करना पड़ेगा। ओम का 5 मिनट जप कर लिए, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का 1 अध्याय पाठ पढ़ लिया करिए। इसमें से एक दो उपाय बता दीजिए जल्दी जल्दी। और जिनकी शनि की जिनकी पोजीशन अच्छी नहीं होती है तो उनको शनि भगवान की को तेल चढ़ानी चाहिए प्रत्येक शनिवार। किस दिन तेल चढ़ाना चाहिए? जी सर। तेल किस दिन चढ़ाना है? तेल आप ये सरसों का तेल चढ़ा जाता है सर दिन चढ़ाएंगे? शनिवार के दिन। तो सरसों का तेल होता है या तील की तेल होता है? नहीं, सरसों का तेल होता है। अच्छा। और जिनको बुध स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको नहीं, जिनको जिनकी चंद्र की पोजीशन अच्छी नहीं होती है तो इनको पूर्णिमा के दिन एक मतलब पात्र में पानी रात भर रखना चाहिए और उसको सुबह पीना चाहिए। बहुत अच्छा। जिनका शुक्र खराब हो उनको क्या करना चाहिए? जी सर। जिनका शुक्र खराब हो गया, प्रेम का छोड़ के चले गए, प्रेम का देख रही है बोल नहीं रही, उसको क्या करना चाहिए? ओम सहा शुक्राय नमः करके जप जप करने अच्छा, चाहिए। और इसके बाद भी अगर उसका काम ना हो तो? तो शुक्र जो होते हैं ये भौतिक भौतिक जो चीजें होती हैं उनके कारक होते हैं, तो ये इनको परफ्यूम अच्छे से यूज करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, अपने घर परिवेश जो होता है उसको साफ सफाई के साथ रखना चाहिए, अपनी बेड जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए, बेडरूम प्रॉपर रखना चाहिए सर। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बाय, टेक केयर। सर मैंने सही बताया कि गलत बताया? नो नो, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं वीडियो खुद की बनाती हूँ, मैं कैसे प्रेडिक्शन देती हूँ फिर आपको सेंड करती हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, मेरा भी वीडियो आ रहा है, देख खोल के देख लेगा भी, प्रेडिक्शन कैसे देते हैं लाइव में। ठीक है, अपना वीडियो बना करके हाँ भेजिए, सर। अपना वीडियो बना करके भेजिए, जी मेरा लाइव वीडियो देखिए। ठीक सर। जी सर। है। हाँ जी सर।
ऋतिका कपूर जी, हाउ आर यू?